आपको पता चली गया कि आज थोड़ी टेक्निकल वीडियो है। और एक और बात, अगर और टेक्निकल वीडियोस देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको देखनी है कि नहीं देखनी है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टेक्निकल वीडियो है, इससे पहले तो ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ मैं। अगर आपको और टेक्निकल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप बता देना, या तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बता देना मेरे को कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो आज हमारे पास जो लेंस मैं कर रहा हूँ, जो कैमरे से, वो 750 है, 750D 200 और 1300 कैमरा है, जो कि आज व्यूज के लिए आया है मेरे पास, रिव्यू के लिए। सो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अभी व्लॉग्स आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ है नहीं करने को, तो बस देखते हैं अभी। और आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और टेक्निकल वीडियोस चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए, वो भी मेरे को बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपको बना के बताऊंगा। क्योंकि अभी फोन वगैरह भी रिव्यू कर सकता हूं मैं, इतनी तो कैपेसिटी हो गई है अभी आप लोगों की वजह से। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। चार कैमरे हमारे पास, जो एक 750 तो एक ही है, तो तीन कैमरे हमारे पास जो कि रिव्यू करूँगा मैं, और बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सो ये लॉन्च हुआ था मार्च 2016 में, ये लॉन्च हुआ था फेब 2015 में, और ये लॉन्च हुआ था जून 2017 में, और इसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी 30,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। 750 की आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, 55,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। और बात करें 200D तो ये 48,000 में आपको मिल जाएगा, जो कि एक ब्लॉगर के हिसाब से बहुत अच्छा कैमरा है। और अगर आप बिगनर हो तो आप 1300 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सी डिसएडवांटेजेस भी मिलेगी इसमें, एज कम्पेयर टू 750 और 200 के रेंज में। आपको बात करें तीनों के प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही अलग अलग जनरेशन से है, जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया ये 2016 है, 15 है, 17 है। तो इसके अंदर आपको 4+ GB प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि बहुत जूना जनरेशन है। ये आपको 6th जनरेशन मिल जाएगा, DG6 प्रोसेसर, जो कि 6th जनरेशन है, और ये लेटेस्ट जनरेशन है, जो कि DG7 प्रोसेसर है। एज कम्पेयर टू बोथ, अगर मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर की लाइफ से देखूंगा, तो ये वाला 200D जो है वो मेरे को बहुत सूटेबल होगा, बिकॉज यूज वाइज भी बहुत हल्का है एज कम्पेयर टू दिस बोथ, बिकॉज ये थोड़ा हैवी हो जाते हैं दोनों लेंस के साथ, और ये इतना हल्का महसूस भी होता है, और इसको आप एज अ ब्लॉगर आप शूट भी करोगे तो आपका हाथ ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। अभी इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है तीनों में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो तीनों कैमरे के साथ आपको दो लेंस मिल जाएंगी, 18mm 18-55mm और 55mm-250mm की आपको लेंस मिल जाएगी तीनों कैमरे में, जो कि किट लेंस बोलते हैं उसको, और दोनों ही जूमिंग लेंस है। और 1300 की मेगापिक्सल 18 मेगापिक्सल आती है, जो कि बहुत कम है, और बाकी दोनों कैमरे में 24 मेगापिक्सल की लेंस आती है, जो कि बहुत अच्छा भी होता है। और मेरे को 750 में एक डिसएडवांटेजेस ये लगता है कि इसमें ऑटो फोकस नहीं है, बिकॉज अगर मैं हिलूँगा तो ऑटो फोकस मैच नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे मैं 200D में अगर वीडियो लूँगा या फोटो लूँगा तो ये डायरेक्ट अपने को ऑटो फोकस कर देगा, अगर मैं उसमें हिलूँगा भी तो अपने को साथ में ऑटो फोकस करेगा, अपने ऊपर ही फोकस करेगा। और आईओएस रेंज भी बहुत डिफरेंस है आईओएस रेंज में भी, ये 1300D में कैमरे में आईओएस है 100-6400 का आईएसओ है, 750 में अगर देखा जाए तो 100-12800 का आईएसओ है इसमें। और बात करें 200D का, जो मेरे को बहुत पसंद है कैमरा, इसमें अगर बात करें तो 100-25600 का आईएसओ है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है, और डेली ब्लॉगर अगर आप हो तो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप सभी बात करेंगे इमेज रेजोल्यूशन की, तो इमेज रेजोल्यूशन अगर बात करें 1300D का तो बहुत कम है, इसका इमेज रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट होगा 3456x2304 का, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम है। और बाकी ये दोनों की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, 6000x4000 का इमेज रेजोल्यूशन है, जो कि मेरे हिसाब से तो सही ही है। बाकी अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। और अभी बात करें बैटरी बैकअप की, तो ये ऑलमोस्ट आपको 300-400 फोटो शॉट्स दे देगा आपको, और बाकी ये दोनों तो आपको ऑलमोस्ट दे देंगे, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि ये आपको 1000 शॉट्स तो देगा ही देगा, ये ऑलमोस्ट आपको 700 शॉट्स देगा। अभी मैं तारीफ इसी की करूँगा, क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद है। अगर आप बिगनर हो
और आपको बेस्ट कैमरा कैमरा चाहिए तो मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया हुआ है। अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो 750 की। और एक और बात, तीनों में आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ 200D मार्क टू में जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है भाई के पास, हमारे जो हमारे फोटोग्राफर है उनके पास अवेलेबल नहीं हुआ है। तो होप जल्दी आ जाए तो मैं वो आपको भी बता दूंगा। और बाकी कुछ अभी बात करेंगे कनेक्शंस की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कनेक्शन है, इसके अंदर भी आपको वाईफाई कनेक्शन ही मिलेगा। लेकिन वापस इसी की तारीफ करूँगा मैं, 200D में आपको वाईफाई कनेक्शन भी मिलेगा और ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिलेगा। और इसके अंदर एक और खास बात है कि आप इसको ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप मोबाइल से फोटो ले सकते हो इसको ट्राइपॉड पे होल्ड करके, जो कि मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम लगा। और बात करें तो दोनों की तीनों की स्क्रीन की, तो 750D और 200D आपको टच स्क्रीन मिलेगा और 1300D जो है वो टच स्क्रीन नहीं मिलेगा आपको। इसका बहुत से ड्रॉबैक है क्योंकि 2016 का मॉडल है, मार्च 2016 का मॉडल है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सा कैमरा लेना चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बिकॉज 7th generation प्रोसेसर है इसमें और लाइट वेट है 406 ग्राम का है, और ये आपको मिल जाएगा 525 ग्राम का मिल जाएगा, जो कि हैवी है, फोटोग्राफर वाइज भी हैवी है और ब्लॉगर लाइफ के हिसाब से भी थोड़ा हैवी है। तो सजेस्ट तो मैं आपको यही करूँगा, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको और भी चाहिए रहेगा रिव्यू वीडियोस तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के पेज पे आप मेरे को ये कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अभी जाते थोड़ा फोटोशूट के लिए, क्योंकि हमारे भाई जो है उनको फोटोशूट करना है, तो थोड़ा जाएंगे बीच पे और उन्हीं का फोटोशूट करेंगे, तो आप अपना भी एक दो हाथ मार लेंगे उसमें। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपको बीच पे। तो वेलकम बैक गाइस, यार इसी तो मस्ती चलती रहेंगी हमारी, कुछ नहीं चलती। सो हाँ, बीच पे आए, फोटोशूट वगैरह हो गया, भाई का भी हो गया और हमारा भी हो गया, जैसे मैंने बोला था लगे हाथ हम भी मार लेंगे, हाथ हमारा भी हो गया। तो इंशाल्लाह सबसे बुजुर्ग आप हो भाई, इधर आना। सो ये शाहिद, इसके साथ भी हम फोटोशूट का प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, कब होगा जरा बता दें। 10 दिन पकड़ लो, लास्ट टू लास्ट 10 दिन, फिर बाद में दूसरा व्लॉग आएगा फोटोशूट का। 10 दिन बोलने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा, एक हाथ हफ्ते में आ जाएगा फोटोशूट का। बस इतना ही था आज के लिए, अगर आपको रिव्यू और चाहिए रहेगा किसी भी चीज़ का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और भी रिव्यू बता दूंगा जो आपको चाहिए वो। और बस आज के लिए इतने रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना सबसे मोस्टली। सो इसी सपोर्ट करना गाइस, और बस आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टेक्निकल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मोस्टली अब बोलूँगा कि वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, इंशाल्लाह जल्दी आएंगी, देखते हैं अब क्या है। बाय।